नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। एक दिन मैं अपने रिलेटिव से मिलने गया। वो बेड पर लेटे हुए थे, उम्र यही कोई 40-45 की उम्र होगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो लड़खड़ाती जवान में बोले कि बीपी बहुत ज्यादा हाई है, डॉक्टर को भी सुबह दिखा दिया, गोली भी ले ली है, लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं आया और बहुत उनकी हालत खराब थी। और उन्होंने ये कहा कि अब रात होने वाली है, डर बहुत लग रहा है, पता नहीं रात को क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा बस इतनी सी बात है, आप जरा चिमटी मंगाइए। बोले क्या? मैंने कहा चिमटी जो कपड़े सुखाते हैं, वो चिमटी जरा मंगाइए। उन्होंने कहा उसका क्या करोगे? मैंने कहा आप मंगाइए तो सही। तो वो ये चिमटी लेकर आए। उन चिमटियों में से एक चिमटी लेकर मैंने उनके बाएं हाथ की बीच की उंगली में इस तरह से लगा के छोड़ दी और फिर दूसरी चिमटी ली और उसको मैंने उनके जो छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली हमारे हाथ की, उस उंगली में लगा के उसको छोड़ दिया। फिर उनके दाएं हाथ की बीच की उंगली में भी एक चिमटी लगा दी और जो सबसे छोटी उंगली होती है उसमें भी एक चिमटी लगा के छोड़ दी। फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप लेटे रहिए और जब अनईजी लगे तब इनको हटाने के लिए बोल देना। 5 मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही अनईजी लग रहा है, आप इसको हटा दो। मैंने उनकी सारी चिमटियां हाथ में से हटा दी और फिर बीपी हाथों हाथ नापा। उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। उठ के बैठ गए और हंसने लगे, ये कैसे हो गया? मैंने कहा ये तो बहुत एक्यूप्रेशर की एक बहुत ही एक्यूप्रेशर का बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत ही आसान है, कोई भी कभी भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से एक्यूप्रेशर का ये इलाज हाई बीपी के लिए बहुत ज्यादा और इंस्टेंटली इफेक्टिव है। ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, आप इसको यूज कीजिए, रोजाना इसको कर सकते हैं, इससे बीपी नॉर्मल रहने लग जाता है।